भारत देश को आजाद हुए लगभग 74 वर्ष बीत जाने के बाद एक घर ऐसा है जिसमें अभी भी बिजली और नलके की सुविधा तक नहीं है। हिमाचल के उपमंडल ज्वाली के अंतर्गत गांव ढलोसी की निवासी माया देवी के लिए सरकारी कल्याणकारी योजनाएं बेनामी लगती हैं। माया देवी का आशियाना पूरा झज्जर हालत में है। कई बार सत्ता में कांग्रेस सरकार रही और वर्तमान में भाजपा सरकार है, लेकिन किसी भी सरकार ने माया देवी को पक्का घर दिलाने के लिए कड़े ठोस कदम नहीं उठाए। वृद्ध माया देवी अति निर्धन है, लेकिन फिर भी उसे बीपीएल में उसका नाम नहीं डाला गया। जब इस समस्या के बारे में क्षेत्र के समाज सेवी रशपाल सिंह को पता चला तो वह तुरंत अति निर्धन माया देवी का दुखड़ा सुनने के लिए उनके टूटे आशियाने में पहुंच गए। विधवा माया देवी अपने दुख सुनाते हुए फूट फूट कर रोने पर लगी। चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, सब नेतागण वोट मांगने जरूर आए, वादा करके आज तक फिर किसी ने सुध नहीं ली। माया देवी का कहना है कि सभी योजनाएं अमीरों के लिए हैं, गरीबों को कोई नहीं पूछता। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो अपनी सारी जिंदगी अंधेरे में काट ली। उनका एक लड़का था, उसकी भी कुछ साल पहले मौत हो गई। उनकी दो बेटियां हैं, उनकी शादी कर दी है, लेकिन अब वह विधवा है। मेरा दुख सुनने वाला कोई भी नहीं है। जब बरसात के दिनों में बारिश होती है तो सारा पानी घर के अंदर ही आता है। अब तो उम्र अधिक होने से दिहाड़ी लगाने में भी असमर्थ हो चुकी है। बताते चले कि माया देवी अभी एक टूटे मकान में रहने को मजबूर है। उनके मकान की हालत इतनी जर्जर है कि वह कभी भी गिर सकता है। ज्वाली से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। सर, आप बताएंगे इस माता के बारे में, इनके घर की क्या स्थिति है और क्या है इनके घर में? नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये माया देवी जो गांव ढसोली से हैं, काफ़ी बेसहारा हैं। इनके पति और जो इनके पुत्र थे उनका देहांत हो चुका है, तो इनकी दो बेटियाँ थी, उनकी शादी, लेकिन वो भी विधवा हैं। काफ़ी स्थिति घर की जो है वो दयनीय है। इतना जर्जर हो चुका है घर की, वो किसी भी समय गिर सकता है, इतनी खराब हालत है इनके घर की। तो सर, इधर प्रशासन वगैरह को कुछ भी नहीं है? प्रशासन ने गुहार लगा, कोई गुहार नहीं लगाई इधर प्रशासन और प्रधान ने कुछ भी नहीं करी? हाँ, साल पंचायत प्रशासन को इस चीज के बारे में जानकारी भी है, भलीभांति जानकारी है। देखो, जिसका चुनाव हुआ है, 5 साल के लिए चयन किया गया है, लोगों ने चुना है, तो गौरतलब है कि उनकी ये बात उनके जहन में होगी और दायित्व तो उनका ही बनता था ये कि कौन से बाढ़ की कंडीशन क्या है, कौन से घर की कंडीशन क्या है, ये तो उनका दायित्व बनता है बेसिकली। तो वो उन्होंने क्यों गौर नहीं की ये तो अब वही लोग जानते हैं। हमें जैसे पता चला तो हमने तुरंत एक्शन लिया। हमारा जो युवा मंडल के सदस्य हैं ढसोली युवा मंडल के, वो बिल्कुल मौके वारदात पे पहुंचे हैं, तो उन्होंने हाल देखी है, काफ़ी ख़राब है। तो सर, इधर तो क्या बोलते, मैंने देखा इधर पहुंच के तो मीटर भी नहीं लगा हुआ है, लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखो, अभी जो मौके में हम देख रहे हैं लाइट नहीं है, ये तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जानकारी हमें आसपास के लोगों से यही पता चली है कि काफ़ी समय पहले इनका मीटर उखाड़ के ले गया प्रशासन, और प्रशासन ने भी नहीं देखा कि घर की क्या हालत है, किस तरह से वो उखाड़ के ले गई, क्या वजह रही होगी, ये तो प्रशासन ही क्लियर कर पाएगा, इसके बारे में हमें तो नॉलेज नहीं है। लेकिन अभी हम जो है आगे इनकी सुनवाई सरकार तक लेके जाएंगे। तो सर, पानी की व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई नल भी नहीं लगा हुआ है, ना ही लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था भी नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? सरकार भी दावे बहुत करती है, प्रशासन भी बहुत कुछ चुनाव के समय ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ऐसे हालातों को देख के तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो दावे कहाँ तक सीमित हैं, क्या योजनाएं। अब कुछ प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि पुराने हमारे, ये भी कहते हैं कि हमने पेंशनें लगवाई हैं, हमने योजनाएं दी हैं, लेकिन इन ऐसे घरों को देख के तो मुझे लगता नहीं कि वो योजनाएं कहां तक सीमित रहेगी। इसका तो अब वही क्लियर कर सकते हैं। तो अब मेरी लोगों से भी अपील है कि ऐसे लोगों की ज़रूर मदद करें, और हमारे जितने भी युवा मंडल के सदस्य हैं, मैं उनसे स्पेशली उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि घर घर जाके ऐसे अपने गांव में, एटलीस्ट अपने गांव में ऐसे घर जरूर देखें, ऐसे परिवार जरूर देखें जहां पे ऐसे हालात हैं, ताकि अपने गांव को सुधारें, देश तो खुद वो खुद सब सुधर जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन वर्ल्ड क्लास केटरिंग सेंट्रली एयर कंडीशन लश ग्रीन लॉन्स स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग लॉन्चिंग एंड पार्टीज राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise